हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है 25 मार्च का मैथ की वर्कशीट और थीम है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, शब्दों की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे आज जानेंगे और आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा ये भी जानेंगे। इससे पहले अगर आप नए हैं तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। सलीम, रोहन और नेहा बहुत समय बाद विद्यालय गए थे। आज उनकी शिक्षिका ने उनसे ढेर सारी बातचीत की। उन्होंने अपने अनुभव शिक्षिका के साथ साझा किए। उनकी शिक्षिका ने उनको रस्सी कूदने वाला खेल भी खिलाया। कौन सा खेल खिलाया भाई? रस्सी कूदने वाला। शिक्षिका ने उन्हें बताया कि आज उनकी रस्सी कूद प्रतियोगिता होगी। उन सबको दो बार रस्सी कूदनी होगी। जो दो बार बिना रुके ज़्यादा कूद लगाएगा वह जीत जाएगा। क्या होगा भाई? जो दो बार बिना रुके ज़्यादा कूद लगाएगा, ज़्यादा रस्सी कूदेगा, वह जीत जाएगा। सलीम ने पहली बार में 32 कूद और दूसरी बार में 25 कूद लगाई। पहली बार में कितनी लगाई भाई? 32 यानी 32। दूसरी बार में 25 यानी 25। उसने सोचा कि मैं दोनों बार की कूदों की संख्या को जोड़कर अपनी सारी कूद पता लगा सकता हूँ। ठीक है, उसने क्या सोचा भाई? दोनों बार की संख्या को अगर जोड़ेगा तो बिल्कुल सही सोचा। पहली बार में कूदा भाई 32 यानी 32 बार, दूसरी बार में कूदा 25 यानी कि 25 बार। दोनों मिलके हुए 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, यानी कि टोटल भाई 57 यानी 57 कूद उसने लगाई। अब देखते हैं नेहा ने पहली बार, यह है नेहा, ठीक है, नेहा ने पहली बार में, ठीक है, कितनी कूद लगाई पहली बार में? 41 कूद, ठीक है। दूसरी बार में लगाई 33 कूद। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1 और 3 होता है 4 और 4 और 3 होता है 7, तो टोटल कूद हो गई हमारी 74 यानी कि 74 कूद उसने टोटल लगाई दोनों बार में। रोहन ने पहली बार में यह है रोहन, पहली बार में कितना कूदा भाई? 40 कूद। दूसरी बार में 28, टोटल हो गए 8 का 8, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 रहेगा, 4 और 2 6, 68 कूद उसने टोटल लगाई। कुल कितनी लगाई भाई? 68 कूद उसने लगाई। सबसे ज़्यादा कूद किसने लगाई भाई? सबसे ज़्यादा कूद लगाई भाई नेहा ने। किसने लगाई? नेहा ने। पता चल गया आपको नेहा ने कितनी कूद लगाई भाई? 74 यानी कि 74। तो अभिभावकों के लिए सुझाव है भाई, बच्चों के साथ मिलकर घर पर कोई खेल खेलिए। आपको अपने बच्चों के साथ कोई ना खेल जरूर खेलना चाहिए। वीडियो कैसी लगी? मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से लाल वाले बटन को सब्सक्राइब दबा दो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।